नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मैं अपने बगीचे में बैठा हूं, गांव में अपने खेत में हूं और घर पे मैं वीडियो शूट कर सकता था। घर पे बच्चे हैं, हल्ला हो रहा था, इसलिए मुझे ये जगह सेफ लगी वीडियो शूट करने के लिए। और अपने देश में भी लॉकडाउन का माहौल है, सारे लोग घरों में कैद हैं, तो मेरे आसपास यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए मुझे ये जगह सेफ लगी आपसे बात करने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक जन प्रतिनिधि के बारे में। जो नेता होता है वो कैसा होना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जब इलेक्शन आता है ना, तो आप सभी ने देखा होगा कि फेमस वर्ड है बरसाती मेंढक। बरसाती मेंढक के जैसे बहुत सारे नेता निकल कर सामने आते हैं, जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, उन्हें पता चलता है आपको कि यही अभी भावी उम्मीदवार हैं, यही चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जन प्रतिनिधि होता है उसके क्या कर्तव्य होते हैं हमारे प्रति। आप सभी लोग समझदार हैं, सबको पता है, लेकिन मैं जो आज बात करने वाला हूं, मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके उस पर सहमति अपनी ज़रूर दें। दोस्तों, अभी जो आप देख रहे होंगे पूरे देश में जो महामारी फैली हुई है, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अपने यहाँ लोकल स्तर पर आप सभी देख रहे होंगे अपने गाँव में जागरूकता की बहुत कमी है। लोगों को लग रहा है कि कोरोना वायरस दूसरे देश में है, अभी यहाँ आने में बहुत टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। दोस्तों, बहुत खतरनाक बीमारी है और बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक आप सभी को पता चल गया होगा, आप सभी टीवी रोज़ देख रहे होंगे, मुझे पता है आप सभी को पता होगा इसके बारे में, अब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोरोना वायरस क्या है, लेकिन लोग इसे मजाक के तौर पर ले रहे हैं। गाँव में लोग, किसी को मना कीजिए अपने गांव पे कि भाई इधर नहीं जाना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, आपसे झगड़ा हो जाएगा कि आप मालिक हो मेरे, आप कहोगे वहीं जाएंगे हम। दोस्तों, ऐसे में जो लोकल नेता होते हैं, जो जन प्रतिनिधि होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। आप सभी देख रहे होंगे टीवी में कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हाथ जोड़कर लोगों से गुहार कर रहे हैं कि घर से बाहर नहीं निकलना है, फिर भी लोग बातों को ऊपर से निकाल देते हैं, लोग घूम रहे हैं। आप सभी वीडियो आ रहे हैं, नेट पे आप देख रहे होंगे, टीवी में देख रहे होंगे कैसे बाजारों में भीड़ लग रही है। ऐसे में जो जन प्रतिनिधि होता है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, क्योंकि वो जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं, लोकल लोगों से फेस टू फेस जुड़े होते हैं, उनकी बात लोग मानते हैं। ऐसे में एक जन प्रतिनिधि को चाहिए कि कोरोना वायरस के डर से घर में छिपे नहीं, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, अपनी बचाव करते हुए लोगों को जागरूक करें। नेता बहुत सारे लोग इलेक्शन के टाइम में बन जाते हैं, मैं एक सच्चे जन प्रतिनिधि की बात कर रहा हूं। आज के वीडियो में मैं ऐसे ही एक सच्चे जन प्रतिनिधि के दिखाने वाला हूं, जो लगातार लोगों का उनको प्यार मिल रहा है, लगातार वो 3 बार से मुखिया हैं। मैं आज बात करने वाला हूं कुचायकोट ब्लॉक के विक्रमपुर पंचायत के शैलेश ओझा जी के बारे में। जी हाँ, आपको आज के वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कैसे उनकी लाखों की गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी, दिन रात उनके क्षेत्र में घूम रही है, लोगों को जागरूक कर रही है कि कोरोना वायरस से कैसे बचाव करना है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मैं इनका पक्ष ले रहा हूँ, मैं पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं उनके क्षेत्र से भी नहीं आता, उनकी जनता उनकी पक्ष ले रही है, लगातार उनको वोट देते आ रही है, 3 बार से लगातार वो मुखिया का चुनाव जीतते आ रहे हैं। और क्यों चुनाव जीत रहे हैं आपको आज के इस वीडियो से पता लग जाएगा। जहाँ आज सारे नेता घरों में छिपे बैठे हैं, वो लगातार क्षेत्र में घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आप इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से जहां देश प्रदेश में अलर्ट जारी है, तथा प्रधानमंत्री के 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के बाद हर स्तर पर लोगों को जागरूक कर उन्हें इस वायरस से बचने के लिए घरों में रहने की सलाह दी जा रही है, वहीं बिहार सरकार के सचिव ने इस वायरस से बचने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आगे आने की अपील के बाद, अब स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगातार अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, तथा अपने वाहनों से जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्वनि विस्तार यंत्र के माध्यम से गांव में लोगों को इस वायरस से बचने के लिए घरों में रहने की अपील भी कर रहे हैं। इसी क्रम में कुचायकोट प्रखंड के पंचायत राज विक्रमपुर के मुखिया शैलेश ओझा ने अपने वाहन से जहां ग्रामीणों में जागरूकता फैलाने में सहयोग किया, तो अपने संदेश के जरिए कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों से अपने अपने घरों में कैद रहने की अपील भी की। साथ ही उन्होंने लगातार हाथ धोते रहने की सलाह दी, तथा राष्ट्र को इस वायरस से बचाने में सहयोग के निवेदन भी किया। अपने संदेश के माध्यम से उन्होंने ग्रामीणों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी किया। विक्रमपुर पंचायत के सारे जनता जनार्दन से
मेरा अपील है कि जो लॉकडाउन देश को किया गया है, इसमें आप लोग सब आदमी अपने अपने घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, अनावश्यक रूप से जो है सो घर से बाहर ना निकलें, तथा बार बार अपने हाथ को साबुन से धोएं, अपने आप को सुरक्षित रखें। आप सुरक्षित रहिएगा, आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा और देश का सहयोग होगा। और देश सही है तो आप सही हैं, आप सही हैं तो देश सही है। और प्रशासन का भी सहयोग करें और अपने घर में रहें। बार बार यह अपील आप लोगों से किया जा रहा है कि अनावश्यक रूप से घर से बाहर कभी भी नहीं निकलें और अपने आप को अपने घर में ही बंदी करके रहें। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने एक जनप्रतिनिधि कैसा होता है, उसके लिए उसकी जनता क्या होती है। बरसाती मेंढक को आप याद रखिएगा, इलेक्शन के टाइम में आप याद रखिएगा कि आपका जनप्रतिनिधि कौन है और आपके लिए बरसाती मेंढक कौन है। और ये आपसे अच्छी तरह भली भांति कोई नहीं जान सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और घर में रहिए। मोदी जी का ऑर्डर आने तक अपने घरों में लॉक रहिए। ऑर्डर आएगा तो हम लोग बाहर निकलेंगे। अगर ऑर्डर आता है कि अभी भी घरों में कैद रहना है तो अभी भी रहेंगे। हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धन्यवाद।